अक्षु कहाँ जा रहे हो? सो अभी हम जा रहे हैं पंछी को छोड़ने के लिए ऋषिकेश। पंछी रेडी हो गई है और हम सोच रहे हैं हम लोग भी चले जाते हैं ऋषिकेश। सो हमें घर के बाहर ही ई रिक्शा मिल गया था और क्या कहते हैं उसको, आज पंछी की डिमांड थी कि मुझे ना ई रिक्शा में जाना है, तो बस हम यहाँ से गए ई रिक्शा में। फिर हमने बोला बैठ गया हम ई रिक्शा में, बाय। तो हमने ना ई रिक्शे वाले भैया को बोला कि भैया आप ना हमें ऋषिकेश तक छोड़ दो, तो भैया ने बोला चलो ठीक है। वो फिर हमें ऐसा सवारी बिठा के ले गए ऋषिकेश तक। और यहाँ देखो आप ई रिक्शा में बैठने का ना मज़ा ही कुछ और है। मतलब दोनों साइड का ना नज़ारा दिख रहा था, इस साइड का भी नज़ारा दिख रहा था, उस साइड का भी नज़ारा दिख रहा था। और ये देखो आप, ये है एक छोटी सी नदी, जब बरसात आती है तो ये पूरा पानी पानी हो जाता है। अभी फ़िलहाल इसमें पानी बहुत कम हो रखा है, तो आप देखो आप नदी का आनंद लो। सो आज मुझे तो अपनी शक्ल देखने का मौका नहीं मिला, तो वेलकम करने की तो दूर बात, बट फिर भी चलो कोई नहीं, स्वागत है आपका मेरे छोटे से व्लॉग में। सो गाइस अभी हम पहुंच गए हैं ऋषिकेश और मौसी लोग भी आ रखे हैं, मौसी और मीना, और अभी हम जा रहे हैं ज्वेलर के पास। ये हमारे साथ मालदार पार्टी आ रखे हैं, ये हमारी मौसी है। मौसी आज हमें कुछ दिला रही है करवा चौथ की गिफ्ट। सो हम चले गए हैं ज्वेलर्स के पास और यहाँ पे मौसी को देखने दी कुछ माला वगैरह। तो इतनी सारी माला देखने के बाद बहुत मुश्किल से मौसी ने एक माला सेलेक्ट करी, शायद यही वाली सेलेक्ट करी थी जो मीना के हाथ में है। अक्षु को देखो, यहाँ पे हमने उसको नमकीन दे दी थी, वो आराम से नमकीन खा रहा था और हमें भी परेशान नहीं कर रहा था। फिर देखी मौसी ने रिंग, बट ये वाली रिंग थोड़ा फंसने वाली थी, तो फिर मौसी ने दूसरी रिंग देखी। उसके बाद मौसी ने कहा चल तू भी एक रिंग देख ले, तो फिर मैंने ये, मुझे ये छल्ला बहुत पसंद आया, बट ये ना छल्ला थोड़ा बड़ा था मेरे हाथ में, तो फिर कोई छोटा था नहीं मेरे हाथ के साइज का, तो फिर मैंने बोला चलो कोई नहीं मौसी दूसरे दिन आप दे देना। मौसी ने ये वाली रिंग फाइनल करी है और मौसी पे बहुत अच्छी लग रही है। और अभी हम आए हैं अचार देखने के लिए, अचार देख के ना मेरे मुंह में पानी आ गया। तो हमने एक ली है अक्षु के लिए, अनारदाना लिया, और मैंने ना नींबू का अचार टेस्ट कर लिया, लहसुन का अचार भी बहुत टेस्टी होता है। और यहाँ पे अक्षु ने देखा वो चरखी वाला, तो मीना ने बोला चलो मैं लेके आ जाती हूँ। अक्षु इतना खुश हुआ ना ये चरखी देख के, बताओ 20 रुपए की चरखी, और अक्षु ने उसी टाइम मतलब 20 मिनट भी नहीं रखी हाथ में और उसी टाइम तोड़ दी थी उसने। इसमें फिर वायर थी तो हमने उसको फेंक दिया था। उसके बाद हमें लगी बहुत जोरों शोरों की भूख, तो हमने सोचा पहले पेट पूजा कर ली जाए, उसके बाद हम बाकी सामान लेंगे। तो हम लोग थे यहाँ पे टोटल 5 और सीट थी यहाँ पे टोटल 4। तो क्या करें, मौसी को ना सीट ही नहीं मिल रही थी यहाँ पे, तो हमने एक कुर्सी यहाँ पे ऐसी एडजस्ट कर ली थी। उसके बाद हमने बोला जल्दी से भाई खाना लेके आओ, बहुत चूहे कूद रहे हैं पेट में। तो ये आ गए हैं हमारे डोसा, और मीना और पंछी ने मंगाया है अनियन डोसा, हमने मंगाया है आलू डोसा। ये हमारा है ना, ये आलू डोसा है, ये अनियन डोसा है, ये कंफ्यूज हो गए कौन सा किसका डोसा है। यहाँ पे आप इन दो चटोरों को देखो, बताओ पेट इनके इतने बड़े बड़े, और बोल रहे कि हमें, हम ना एक डोसे से ही खा लेंगे। अक्षु को देखो यहाँ पे दादी का डोसा खाया जा रहा है। मम्मी ने और मैंने एक से ही डोसा खाया, उसके बाद हमने चाउमीन ऑर्डर करी थी, बट वो चाउमीन ना आई नहीं। उसने बाद में बोला आपने ऑर्डर ही नहीं करी, तो हम क्या करते, हमने फिर ना कैंसिल कर दिया और हम बाहर निकल। अब तो मिर्ची लग रही, फिर से कर दे। रसमलाई भी बोल रखी है पहले। चंदन जी रसमलाई का बोल ला दे, अच्छी फिर से कर दे। और अभी ना मौसी आइसक्रीम खिला रही थी, तो मौसी ने कहा फटाफट से अपने लिए आइसक्रीम ले लो। सो यहाँ पे अभी मौसी ने बोला था मुझे आइसक्रीम खानी है, तो मौसी हारी यहाँ पे आइसक्रीम, मम्मी ने बोला फिर मुझे भी खानी है, फिर हमने बोला हम क्यों पीछे रहे भाई, दो रह गए आइसक्रीम खाने से। और मैंने अपने लिए ली है चॉकलेट वाली, जो मुझे हमेशा अच्छी लगती है। सो गाइस अभी हम आ गए थे घर, और
अभी हमने फटाफट से चाय वाइप पी और अभी बनाएंगे फटाफट से खाना, क्योंकि हो गया है खाने का टाइम नहीं हुआ, खाने बनाने का टाइम हो गया है। और आज हम बनाएंगे लौकी, साथ में अंडे भी बॉईल हो रहे हैं, ये पापा ने जस्ट अभी रखे हैं, तो जब तक अंडे बॉईल होते तब तक मैं लौकी वगैरह कट कर लेती हूँ। और आज हम अक्षु की हमने छोटी छोटी शॉपिंग करी है, वो मैं आपको दिखाऊंगी कि कल दिखाऊंगी आपको, अभी अंधेरे में तो अंधेरा तो नहीं है बट दिखता नहीं है, तो मैं कल दिखाऊंगी आपको कि हमने अक्षु के लिए दो प्यारी मेरी जैकेट ली है, वो कैसी लग रही है। सो गाइस, मैंने सोचा मैं अभी आपको जैकेट दिखा देती हूँ, कल क्या क्या वेट करना। ये लेके आई हूँ मैं एक वाइट जैकेट, वाइट और ब्लू लाइन है जिसमें, ये मैंने पसंद करी है और देखो जिप वाली है और बहुत अच्छा है ये तो, एकदम मोटी जैकेट है। बट एक इस पॉकेट का मुझे समझ नहीं आया, इसका ये मुंह यहाँ से ओपन क्यों है, शायद मुझे लग रहा है ना ये उल्टा पॉकेट लग गया, यहाँ से ओपन होना चाहिए था ना। तो बस ये एक मैंने पसंद करी है और एक ये ब्राउन वाली है, ये मम्मी ने पसंद करी है, ये भी अच्छी, ये फर वाली है बट ये थोड़ा ना बड़ी है, ये तो मुझे लग रहा है ये अगले साल ही आएगी अक्षु पे, हमने बनाई थी तो बहुत लूज लग रही थी। ये भी जिप वाली है और इसका ऐसे साइड में ना ये रबड़ वाले हैं ताकि ये हाथ से नीचे ना आए जैकेट। ये फर वाली है, ये थोड़ा ऐसे मतलब जैसे रुई नहीं होती, रुई ऐसा है। तो बस तो यही कपड़े हमने लिए थे अक्षु के लिए, एक्चुअली हमें जाना है परसों बोले तो 23 को हमें शादी में जाना है, तो इसीलिए अभी अक्षु के पास ऐसे कोई विंटर का नया कपड़ा नहीं था, तो हमने सोचा चलो यार अक्षु के लिए कपड़े ले लेते हैं। और क्योंकि जो मैंने मस्तू की शादी में लिए थे ना, वो मैंने ऐसे उस हिसाब से नहीं लिए हैं, मतलब सर्दियों के हिसाब से नहीं लिए हैं, बट मैं पूरे ऋषिकेश घूमी, मुझे ना अक्षु के लिए सेट ही नहीं मिला, मतलब मुझे एक वुलन सेट चाहिए था अपर और लोअर, मुझे ऐसा कहीं मिला नहीं मतलब वुलन में, तो फिर मैंने सोचा चलो सिंगल जैकेट ही ले लेते हैं, अगर मिलेगा तो ले लेंगे फिर, बाकी फ़िलहाल तो मैंने ये लिया, देखते अगर कल जाएंगे देखने के लिए अगर कुछ पसंद आता है तो।